कहते हैं जीवन में निरंतर सीखते रहना जरूरी है, इसमें उम्र भी बाधक नहीं बननी चाहिए। सफल होने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इस कहावत को शिवदयाल शर्मा बखूबी समझते हैं। शिवदयाल शर्मा जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं। 59 साल की उम्र में वह खेल के मैदान में पदक जीत कर और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। विशेष विभाग में भर्ती हुआ फायरमैन पद से, और जब मैं 1982 में भर्ती हुआ तो मैंने खेलना शुरू किया और पहली बार ही मैंने यूपी पुलिस में 5000-10000 मीटर पार्टिसिपेट किया और रेंज और मंडल स्तर पर व्यक्तिगत चैंपियनशिप में सबसे खिलाड़ी भी घोषित होता रहा, और इंडिया पुलिस के लिए क्रॉस कंट्री रेस में 14.5 को मुझे चयन किया गया, जिसमें मेरे द्वारा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स क्रॉस कंट्री रेस में 14.5 स्थान पा के पहली बार ही मैंने कांस्य पदक जीता। गेम्स के लिए टीम जाती है और मैं 35/8 दिन पीएससी नखलू में टीम में क्लोज था, और वहीं पे डीजीपी महोदय हमारे आए हुए थे और उन्होंने टीम से मुलाकात की और सर के द्वारा आश्वस्त किया गया कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें इंस्ट्रक्टर प्रमोशन दिए जाएंगे। तो मेरे द्वारा भी ये कहा गया कि सर मैं इंडिया में गोल्ड मेडल ले तो मुझे भी इंस्ट्रक्टर बना दिया जाए, और ईश्वर की ऐसी आस्था रही कि मुझे 1987 हरियाणा में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक गेम हुआ और 10 किलोमीटर रेस में और मैंने बड़े अच्छे समान निकालकर 30:23 में 10 किलोमीटर दूरी तय करके प्रथम स्थान पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और उसी आधार पर मुझे फिर इंस्ट्रक्टर का प्रमोशन दिया गया। 15 में वर्ल्ड एंड फायर गेम्स वर्जीनिया में काम आयोजित होने थे, वहां के लिए भी सिलेक्शन हुआ था इसी आयु वर्ग में, लेकिन कुछ तकनीकी कारण वहां अनुमति न मिल पाने के कारण नहीं जा सका था। और इस वर्ष भी लास्ट ईयर 18 में भी चुंगजू साउथ कोरिया में स्थान पर था, वहां भी मेरे आयु वर्ग में ही चयनित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से भी यहां भी अनुमति न मिलने कारण मैं नहीं खेल सका था, लेकिन 3-4 बार लगातार मेरा अंतर्राष्ट्रीय पर चयन हुआ है। रिटायरमेंट से महज एक वर्ष दूर शिवदयाल शर्मा उन पुलिसकर्मियों के लिए नजीर हैं जो इस उम्र में आते आते थकान महसूस करने लगते हैं और अपने परिवार को समय भी नहीं